हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। तो बच्चों, आज हम इकाई चार पुस्तक हमारी मित्र आपका इकाई चार का नाम है पाठ का पुस्तक हमारी मित्र पुस्तक जिससे हमें बहुत लगाव होता है उसके बारे में हमें जानकारी दी गई है इस पाठ में। तो जीवन में इस पाठ में ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पत्र का महत्व विशेष है, जिससे पत्र के माध्यम से मानव संबंधों, ताजगी, नयापन, जीवंता बनी रहती है। पत्र के संपर्क से हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। पत्र लेखन वो एक कला है। अगर आप लोगों ने अभी तो पत्र का बहुत है नहीं विकास, पहले तो बहुत ज़्यादा पत्र से ही एक दूसरे को याद करते थे, तो इस पाठ में एक पत्र कैसे लिखा जाता है उनकी भी जानकारी दी गई। तो बच्चों, इसमें हमें पत्र के बारे में कैसे लिखना है वह हम समझेंगे। तो स्टार्टिंग में बोल रही हूँ मैं आपके सामने, 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। अब आप जिसको लिख रहे हो पत्र वो बोल रही हूँ मैं, प्रिया मनोज, नमस्ते। आदर सम्मान से हमें बोलना है, मैं यहाँ सुकुशल हूँ, यानी कि मैं यहाँ अच्छा हूँ, आशा रखती हूँ कि तुम भी अच्छे होंगे। फिर बोल रहा है उनका मित्र कि मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें पत्र लिखूँ, लेकिन पाठशाला में हमारे यहाँ पे वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही हैं। वांचे गुजरात यानी कि हमारे यहाँ पे सारे पत्र के बारे में जानकारी का अभियान चालू है, तो इसमें मैं सम्मिलित यानी शामिल था, इसलिए मुझे टाइम मिला नहीं है। इस अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने क्या सूत्र दिया है, पुस्तक हमारे मित्र, तो वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। तो अपनी खुद की स्कूल में जो नाम था पुस्तक हमारे मित्र, उनके बारे में वो अपने मित्रों को अपने किताब का महत्व पत्र में लिखकर बता रहा है कि किताबें हम सबकी मित्र हैं, वे हमें नया ज्ञान देती हैं एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने भी कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। बच्चों, पुस्तक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बगैर हमारा ज्ञान भी अधूरा है। तो वह हमारा साबुन की तरह काम करता है, जो हमारे अंदर कितना सारा नेगेटिविटी भरी हो तो हम अपने सारे शुद्ध विचार करने के लिए हमें साबुन की तरह हमारा मन को कार्य में काम करता है, और मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर संचार करता है, यानी हमारे मन को एक उजाले की ओर, हमारे मन को प्रसन्नचित करते हैं। इस तरह हमारा किताबों कितने महत्व का स्रोत है। और कह रही है कि मैं आज तुमको पत्र किताबों से ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान में जिज्ञासा की पूर्ति होती है। किताबों ज्ञान का क्या है, स्रोत है। मेन स्रोत कौन सा है, किताब। किताब से हमें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति। इतना नहीं, ज्ञान और विज्ञान के गतिमान भी रखती हैं। किताबें मूल्यवान होती हैं, हमें इनको पढ़कर जीवन में नया संचार सजाना है एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर भी आप अपने मित्रों को बुक दे सकते हो, ये पुस्तक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके जीवन में पुस्तक नहीं है तो समझ लीजिए अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि अगर आप फ्री बैठे हो तो कोई भी पुस्तक आपके उनके आपके दिमाग में डालने से ज्ञान की वृद्धि होती है। इसीलिए हमें हमारे जन्मदिन पर हमें क्या मांगनी चाहिए कि अगर आप मुझे पुस्तक दोगे तो मैं सारा जीवन इस ज्ञान की तरह आगे बढ़ा सकती हूँ। हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया, और मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा करोगे। वो अपने मित्र को कह रहा है कि देख, मैं भी एक पुस्तक का मित्र बन गया हूँ, मैं भी रोज एक पुस्तक के एक पेज रोज पढ़ने की एक हैबिट डाली है, जिससे मेरा जीवन भी एक ज्ञान पुष्प की तरह खिलेगा, तो तुम भी ऐसा करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ
किताबों के मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। बुके यानी कि फूल का गुलदस्ता नहीं, अब हमें क्या चाहिए? बुक। परिवार के सभी बड़ों को मेरा क्या प्रणाम। लास्ट में पत्र लिखते हैं ना, तभी हम लास्ट में सब घरों में सब जो परिवारजन होते हैं उन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए, आदर सम्मान देना चाहिए। तुम्हारा दोस्त पूजन। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ एक पत्र के अभियान से शुरू हुआ है और पुस्तक की एक अच्छे कार्य लिए जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्ति की उत्सुकता उनके साथ ये पाठ पूर्ण हो रहा है। बाद में हम उनकी पत्र की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। थैंक यू बच्चों।